दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है हमारे भारतवर्ष का एक महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद दूसरा नेता अगर कोई कहा गया माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से अलविदा हो गए। साथियों पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ रही है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। साथियों मैं लोकगीत हूं बिरहा गायक कमलेश पाल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप सबको एक भावभीनी श्रद्धांजलि माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की प्रस्तुत कर रहा हूं। भूमिका के अंदर भाव है। किया जो कर्म हर धर्म के जुझारू वही पीरप्पा का जगत में कहाया, झूला कर गले में सुशोभित है माला, अरे चुनौती में हर गिज कदम ना हटाया, लड़ा शान से जान लेकर हथेली, अरे गरीबों को हंस कर गले से लगाया, अरे फुल्लर कहत ऐसी कीर्ति निराली, अपने को खून से शिखर तक पहुंचाया। एक लाइन कव्वाली का भाव बा कैसे अरे तो बसी एक की और दुनिया है, बसी एक की और दुनिया है इसी संसार के नीचे, संसार के नीचे, अरे इसी संसार के नीचे पड़ गया, अरे तो पड़ गया सखियों का झूला कदम के दार के नीचे, बाबू। ए भैया हमरे नेता माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पहचान का रहल अरे कहूं का वीर की महिमा, अरे कहूं का वीर की महिमा इटावा क्षेत्र का वासी, अरे इटावा क्षेत्र का वासी, लड़ा जो हर चुनौती में भले ही झूल जाए फांसी, अरे जिया हर चुनौती में एकदम खरा उतरे वाले नेताजी हमरे रहले। कहानी का शुरुआत लगल भैया
इटावा जिला ग्राम से भाई का दास्तान सुनो, इटावा जिला ग्राम से भाई का दास्तान सुनो, वही एक सुघर यादव छोटा सा किसान सुनो। उन्हीं के घर में एक दिन प्यार बधैया बाजे, उन्हीं के घर में एक दिन प्यार बधैया बाजे, खुशी का दिन हुआ यादव जी तरैया साजे। समय था 22 नवंबर 39 सनवा में, समय था 22 नवंबर 39 सनवा में, हुआ एक अजब खेल सुघर के अंगनवा में। प्यार से नाम जेकर मुलायम रखायल बा, प्यार से नाम जेकर मुलायम रखायल बा, चमकता चेहरा जस मसीहा कोई आयल बा। हे भैया बात के समझ ला लोग, 22 नवंबर 1939 में इटावा जिला के सैफई गांव में पूजनीय सुघर यादव गरीब परिवार में माई मूर्ति देवी के कोख से एक संतान पैदा भयल। बड़ा सुघर चमकता हुआ लालाट, प्यार से नाम रखलन मुलायम। भैया हो नाम बड़ा बढ़िया पड़ल, पूत कपाव पलना में ही दिखाया जाला पंचो। देखे में ललाट चमकत रहे, लोग कन के महसूस भेल के लगत हो कि भगवान का अवतार हो गल का, चारों तरफ खुशी का माहौल बा। धीरे धीरे पढ़े लगलन और बढ़े लगलन। हे भैया माई के गोद से क्रमशः और चार भाई का पैदाइश भेल। जानत हुआ के शिवपाल यादव, राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव और अभयराम यादव। लेकिन मुलायम सिंह यादव पढ़े लिखे में बड़ा तेज तर्राक रहलन, प्रभु के कृपा से शरीर भी बढ़िया मिलल है। शरीर के हिसाब से कुश्ती उस्ती लड़े, पहलवानी करे, पढ़े लिखे में तेज रहलन, बीएड कैलन, आगे का कार्यक्रम चला था। एक लाइन गीत का इशारा भैया। अरे बाप कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से शिकायत बड़ा बरियार कह देलस, उनकर दुल्हा एक नंबर का शराबी मिल गईलन ए शंकर मतिन। लेकिन भैया दुल्हन का समझावे का तरीका अलग है, देखा भोजपुरी गीत हो, ध्यान दिया लोग। ए सैया हो ए राजा जी हो, ए सैया जी हो, बिना सावतिया के रह ना सकेला, हमारा के झूठो हो तू झांसा में रखेला, बिना सावतिया के रह ना सकेला, हमारा के झूठो हो तू झांसा में रखेला, एक बेर दिल के सुकून कैदा, एक बेर दिल के सुकून कैदा, ए राजा जी एगो पून कैदा, अपना ही हाथे हमार खून कैदा, लेकिन भाव कितना बढ़िया लगल भैया बाबू, थोड़ा ध्यान दे है बिरहा पे। धीरे धीरे हो गई ले सयान जब ललनवा,
पढ़ाई लिखाई में जब लागे लागल मनावा, धीरे धीरे हो गई सयान जब ललनावा, पढ़ाई लिखाई में जब लागे लागल मनावा, धीरे धीरे समय बलवान भइले, धीरे धीरे समय बलवान भइले, ए भैया पूरा अरमान भइले, अध्यापक मुलायम कुलकसान भइले, ए हो अध्यापक मुलायम कुलकसान भइले, ए भैया पूरा अरमान भइले। परिवार में एक खुशी झलके लगल, पढ़ लिख करके अच्छी पढ़ाई अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए माननीय मुलायम सिंह यादव। अच्छा अध्यापक हुए लेकिन समाज सेवा की दिल में तमन्ना है, तो हुआ क्या, लोहिया साहेब के धराए गइल रहियानु हो, बने पिछड़ा दलित का सहयानु हो, अरे यहाँ हो राजनीतिया में सम्मान पहले, राजनीतिया में सम्मान पहले, ए भैया पूरा अरमान भइले, अध्यापक मुलायम कुलकसान भइले, अरे राजनीति में माननीय लोहिया साहब के चले हुए रास्ते पर चलने लगे और राजनीति के माध्यम से देश सेवा, जन सेवा, गरीबों, अति पिछड़ों, दलितों का सेवा करने का दिल में उद्गार जगा। भैया जब दिल में उद्गार जगल तो देश सेवा में आप लोग जनते हुए नेतागिरी में कितना कई बार लोग जेल जाले। माननीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। दोहा के अंदर कहना है भैया, इसी तरह से 9 बार गए जेल दरमियान, 3 वर्ष का काट समैया, आए हैं श्रीमान, गरीबों दलितों पिछड़ों की आवाज उठाया करते थे, इसी दरमियान कई बार जेल गए, जेल भरो आंदोलन किए। भैया कुछ दिन बीतल, जब कुछ दिन बीतल तो एक लाइन तर जलगल मास्टर साहब, कौनो प्रेमिका अपने प्रेमी के सौंदर्य का वर्णन करता, क्या कहलस, उड़ेला फर फर जब पुरवैया हो, चश्मा पहिर जब ले ले अंगड़ैया हो, उड़ेला फर फर बहे पुरवैया हो, चश्मा पहिर जब ले ले अंगड़ैया हो, दिलवा में गोली दागे है, दिलवा में गोली दागे है, राजऊ के ही दिया, राजऊ के ही दिया, अरे हीरो से है भी
लागे राजा जी के ही बिया, अरे हीरो वो से है भी लागे लेकिन भावस्थल पे आप लोग ध्यान देंगे, जेल से छूट के अइले माननीय नेताजी तो हुआ क्या, जेलवा से छुट्टी जब अइले भवनवा हो, ठाकुर कपूरी मधु बीएम से मिलनवा हो, जेलवा से छुट्टी जब अइले भवनवा हो, ठाकुर कपूरी मधु बीएम से मिलनवा हो, दिल में अरमनवा जागल बा, दिल में अरमनवा जागल बा, नेताजी के दिलावा, अरे नेताजी के दिलावा, समाज सेवा में भावना जागल बा, नेताजी के दिलावा, समाज सेवा में भावना जागल बा। जेल कई बार गई ले, जितने जेल गई ले, जितने पुलिस से प्रताड़ित भइले, उतने समाज सेवा के भावना दिल में जगल। जब राजनीति में आ गई ले, नौकरी से इस्तीफा लगा भइले, अरे जिया हाथ में तिरंगा उठाए ली हल, समाजवादी पार्टी बनाए ली हल, हाथ में तिरंगा उठाए ली हल, समाजवादी पार्टी, हाथ में तिरंगा उठाए ली हल, समाजवादी पार्टी बनाए ली हल, अरे विरोधी अनका मनावा पागल बा, नेताजी के दिलावा, अरे नेताजी के दिलावा, समाज सेवा में मावना जागल बा, नेताजी के दिलावा, समाज सेवा में भावना जागल बा। हे भैया, जेल से जैसे ही छूट करके आए, तमाम सामाजिक लोगों से मिले, उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर के लगा कि मुझे देश सेवा करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, त्याग पत्र दे दिए नौकरी से, दलित पिछड़ों की पीड़ा लेकर के कि हमारा दलित पिछड़ा असहाय, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके साथ हर हमेशा खड़ा रहेंगे। साथियों नौकरी के त्याग पत्र दे दिलन, आखिरकार समाजवादी पार्टी बना लिए। जब समाजवादी पार्टी बना लिए ना, तो टेरी के अंदर भाव लगल भैया, ए भैया यूपी में कायम कैले झंडवा, बनकर राजनीति का नाहर वीर मुलायम, अरे मुलायम, अरे मुलायम, बनकर राजनीति का नाहर वीर मुलायम, यूपी में कायम कैला झंडवा, चौक के अंदर भाव बा, कहरा में कहनाबा, अरे कूद पड़े ले हाथ तिरंगा समाजवादी बनके यार, खैर नहीं जो आंख उठाया दलितों का छीना अधिकार, गर्द मिला दू हस्ती को जो चाहे जितना होवे खुखार, घर घर न्याय सामाजिक मिली है, कोई नहीं रही बेकार, अरे दिया
पिछड़ा समाज अब जगेगा। माने मुलायम सिंह यादव चल रहा लेके कैसे भैया हाथ में तिरंगा झंडा साइकिल का निशान लेकर चले हैं जब, तो हुआ क्या, तर्ज बड़ा मिजाजी लग गया छपी भैया। हम गवनवा नहीं जो अरे हम गवनवा नहीं जाप नहीं नहीं प्रीता लगल हीरो नवा नहीं नहीं प्रीता लगल हीरो नवा रे हम गवनवा नहीं जो लिख देलन। बारे हमरे राम फुल्लर कवि जी और राम विलास कवि जी बहुत बढ़िया भाव लिखल का लिखल चलवा कायम कैल ना पुत्र मुलायम पल के धरती पुत्र मुलायम जलवा कायम कैले ना हे भैया। सन 1962 में छात्र संघ का चुनाव लड़लन, जब छात्र संघ का चुनाव लड़लन तो परिणाम का निकलल अरे तजितला छात्र संघ का जब चुनावा भैले कई पार्टी से मिलौआ बनबे विधायक सोचल दायम बनल विधायक सोचल कायम चलवा कायम कैले ना भैया। विधायक बनने की तमन्ना लेकर के जनता के बीच में घूमने लगे, बीच में शादी विवाह भी भेल, पहली पत्नी पहली विवाह मालती यादव और दूसरी शादी साधना गुप्ता जी से हुई। परिवार बढ़े लगल सोसाइटी चेंज होए लगल, आगे का भयल भैया तर्ज बदल गई। यह मिर्जापुरी भाव हो अरे तपारी उमर कमोर लो चुकोनियो बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया रे गोरी को झूल झूलनिया ना हरे जिया जिया लेकिन भाई बात पे ध्यान दी है अरे तब पीड़ा जनता कली हले बीरा नवाब विधायक बन बबते यार मनवा कूद रण मैदान वाला जनता के बीच में आए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो परिणाम निकला क्या। सन 67 में विधायक भइले मंत्री
मंत्री पशुपालन पद पैल मंत्री पशुपालन पद पैल विरोधी सोचे कहाँ से आयल विरोधी सोचे कहाँ से आयल बात नवा हो जवनवा कूद रण मरदनवा ना सन 1967 में पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा में गए माननीय मुलायम सिंह यादव जी। बाबूजी जब विधायक होके गई लें तो पिछड़ा और दलितन के आरक्षण का बात उठो लें, वहां इनके जज्बा को देख करके पशुपालन मंत्री बना दिया गया। बाबूजी एकदम जम के विधानसभा में गरीबों के लिए लड़ा करते थे, इसी तरह विरोधी एकदम हड़बड़ा गए। जब विरोधी हड़बड़ा गए ना पहपट के अंदर भाव लगल भैया अरे इसी तरह से करता विजय जुझारी नारा गूंजल बा अरे इसी तरह से करता विजय जुझारी नारा गूंजल बा 80 में भाई चरण सिंह से यारी नारा गूंजल बा ए भैया मस्त शरीर लेके कबो कबो जनता के हित के लिए साथियों एकाक बार आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि सिपाही से लड़के पटक दिए दरोगा को पटक दिए भैया हो सन 80 में चौधरी चरण सिंह के बात से प्रभावित होकर उनकर साथ पकड़ ले लें। जब साथ पकड़ ले लन तो भयल का भैया अरे चरण सिंह का पाए साथ 81 तक ज्ञानी हो रहे लोक दल के अध्यक्ष गए 82 को फानी हो 2 साल तक चौधरी चरण सिंह के साथ रहलन 83 में उनके तिकड़म में फंस गए और उनसे सोचलन की दूरी बना ली। अरे नेताजी के अगर जेकर बात ना जमे चाहे केहू रहे अपने आप के कोनो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बाबू दूरी बना लिया करते थे कैसे अरे 83 में हो गए तिकड़म जारी नारा गूंजल बाप अखंड खंड हो गई लोक दल न्यारी नारा गूंजल बाप लोक दल को त्याग दिए। जब राष्ट्रीय लोक दल के तगलन माने चौधरी चरण सिंह के पार्टी के तो एकदम खंड खंड में बट गए। इसके बाद माननीय कांसीराम साहब जी से मिले, उनकी बात से बड़ा खुश हुए जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, कुछ दिन उनके भी साथ रहे और सरकार बनाने में अहम भूमिका रही। अगली लाइन में कहना है अरे लड़े जंग जब आए 85 विधानसभा में आई हो चौथी बार विधानसभा में जीत सदस्य चुनाई हो 85 में भी विधायक चौथी बार भेल है फिर 89 में भी विधायकी का चुनाव लड़न तो परिणाम का निकलल अरे 89 में गए विजय फिर मारी नारा गूंजल बाप अरे बने राज के आज उच्च अधिकारी नारा गूंजल बाप पांचवी बार भी विधायक हो गए। जब पांचवी बार विधायक हुए तो कबीर जी ने आल्हा लिखा क्या भैया अरे तो चार हो दिसंबर सनी 89 वाला दिनवा बन के मुख्यमंत्री जब आइला सरकार
भैया बन के मुख्यमंत्री जब आईला सरकार, देशवा में लेके संविधान वाली पोथिया, अरे खाए है कसम समाजवादी बन यार। अरे जितने गरीब और पिछड़ी है जतिया, ए भैया करब मदतिया सुना हो बार बार, रही है खुशहाल मजदूर या किसानावा, देशवा को होई है या जब अधिकार, ए भैया पहला ऐलान जब कैला चुंगी के, लागे जवन रोडवा पे घेर के कतार, ए बाबू तबले तूफान आया अयोध्या में भैले, चढ़े कर सेवा का बांध के ललकार, हथवा में साधे संविधान वाली गोलिया, जननी के हथवा में लगल गुहार, अरे यतन में ले लिया भाजपा समर्थन, इक्यानवे में गिर गई बीपी सरकार। मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के न्याय पर चलने लगे। बाबू तमाम ऐसी हादसा हुई जिनमें एकदम डटकर खड़े हुए, किसी सवर्णों से डरे नहीं। जब नेता की बात आती है तो धरती पर दुए नेता, भारतवर्ष में पहले नेता जिन्हें नेता की उपाधि दी गई, माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो देश की लड़ाई में अपने कतरे कतरे को बहा दिए, लेकिन किसी ने उनका बाल बांका नहीं किया। दूसरे नेता की यदि बात की जाए तो कोई और नहीं है जिनकी बात की जा रही है, जिनकी श्रद्धांजलि गाई जा रही है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। साथियों, हमारे देश में सैनिकों को जो व्यवस्था दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार में, शहीद होने के बाद उनकी टोपी घर वालों को दी जाती थी, टोपी और वर्दी। लेकिन रक्षा मंत्री होने पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऐलान किया कि तिरंगे झंडे में सम्मान सहित लिपेट करके उनकी डेड बॉडी, एक फौजी शहीद की डेड बॉडी घर वालों को सुपुर्द की जाएगी और उचित संतोष धनराशि दी जाएगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कतारें लगा करके चुंगी दिया जाता था। माननीय जी मुख्यमंत्री होने के बाद, रक्षा मंत्री होने के बाद चुंगी वाला सिस्टम खत्म कर दिए, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को खत्म किए, कितना भी कहेंगे कम हो जाएगा। बाबू इसी कारनामे में माननीय मुलायम सिंह ने ऐसा काम किया, 8 बार विधायक, 7 बार सांसद, 3 बार सीएम और 1 बार रक्षा मंत्री और 1 बार एमएलसी हुए। उनके जज्बा को सलाम करता है ये बिरहा समाज। भैया जिस दिन मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि धरती पुत्र मुलायम सिंह बीमार हैं, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब एकदम उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। सूचना आई सोशल मीडिया के माध्यम से कि धरती पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, हमारे देश का एक महान शक्ति इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गए। सभी के आंसू छलक गए बाबूजी, सारा विभाग रो रहा है, श्रद्धांजलि देने के लिए ताता लगा है। बिरहा के स्टार, बिरहा के सुपर गायक श्री विजयलाल यादव जी,
समूचा समाज श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में एकदम लोग तत्पर हैं। मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बिरहा रिकॉर्डिंग करने के बाद जिला इटावा ग्राम सफाई में जा रहा हूं। साथियों मन बड़ा व्यथित है, कहना है अरे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के रोवाई गोइल तो धरती पुत्र मुलायम दुनिया छोड़ पर आई गईल। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के रोवाए गईले, धरती पुत्र मुलायम दुनिया छोड़ पर आए गईले। मीडिया से जब खबर मिली शुभ चिंतक भय गमगीन, भाई बेटा बेटी बहु रोवे काहे लेला विधाता छीन। राजनीति संग सब विभाग बिलखाए गईले, धरती पुत्र मुलायम दुनिया छोड़ पर आई गई। ए भैया कभी जी लिखते लिखते एकदम गमगीन हो गए कि वाह बारे हमारे देश का एक छबाज नेता कहना है धरती पुत्र मुलायम जैसा हुआ न कोई नेता, आंसू रोक न पावे कोई बिरहा जगत भी रोता पूरा बिरहा समाज। भैया बाबू लोग बिरहा को सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी ने दिया तो वो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। बिरहा कलाकारों को कोई शौक नहीं है गाने का, लेकिन क्या करें जिसने बिरहा का मंच दिया, जिन्होंने बड़े बड़े मंच पे कलाकारों का उत्साह वर्धन किया, तमाम पुरस्कार बांटे, आज वो नेता हम लोगों को छोड़कर गया तो पूरा बिरहा समाज रो रहा है। कैसे? अरे साइकिल वाला झंडा अखिलेश भैया के थमाई गईला, तो धरती पुत्र मुलायम दुनिया से पराई गईला। ए भैया यह रहल श्रद्धांजलि बिरहा बाबू, जो भी त्रुटि हुई आप लोग क्षमा करेंगे। अंतिम लाइन में कहना बा मोहालयासी स्वर्ग में रोवे हरिवंश विदेशी लाल, रमाकांत चरणों के अंश है श्री राम फुल्लर पाल। अरे यूपी में कायम कैले झंडा बाप, ए भैया यूपी में कायम कैले झंडा बाप, कमलेश राम बिलास पे शारद माँ के छायम, यूपी में कायम कैला झंडा बाप।